हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जल व क्षतिग्रस्त सड़कों की दशा सुधारने की मांग को लेकर भाजपा का जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन कल से भिनमाल में। भिनमाल जिले भर में पेयजल समस्या के निराकरण व क्षतिग्रस्त सड़कों की दशा सुधारने सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर भाजपा द्वारा रविवार से जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन व अनशन का आयोजन स्थानीय भिनमाल जालोर मार्ग पर स्थित 72 जिनालय के सामने किया जाएगा। आंदोलन को सफल बनाने के लिए संगठन द्वारा अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गयी। भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव बोरली ने बताया कि जालोर जिले में पेयजल की भारी समस्या बनी हुई है। पेयजल समस्या के निराकरण के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत नर्मदा परियोजना ER, DR व FR का पानी दिसंबर 2016 तक उपलब्ध करवाने का वादा किया गया था, लेकिन आज दिन तक उक्त योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। वहीं जिले भर में सड़कों की दुर्दशा की वजह से वाहन चालकों का चलना मुश्किल बना हुआ है। सड़क पर खड्डों की वजह से आए दिन दुर्घटनाओं में लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। इस संबंध में बार बार प्रशासन व सरकार के मुखियों द्वारा अवगत करवाने के बावजूद सरकार की आंखें नहीं खुल पा रही, जिसको लेकर सरकार के प्रति जिलेवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। राव ने राज्य सरकार को बाड़े बंदी की सरकार बताते हुए बताया कि उक्त सरकार पिछले 3 वर्षों से ऑक्सीजन पर चल रही है। राज्य के मुखिया 24 घंटे सरकार को बचाने व दिल्ली के आकाओं को खुश रखने में व्यस्त हैं, जिनके पास प्रदेश के विकास व आमजन की समस्याओं के निराकरण का समय नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार को प्रत्येक मोर्चा पर विफल बताया। राव ने बताया कि उक्त समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर रविवार को सवेरे 9:30 बजे स्थानीय कचहरी रोड विद्यालय प्रांगण में विशाल जन सेवा जनसभा का आयोजन होगा, जहां से दोपहर 3 बजे पैदल पैदल 72 जिनालय के सामने स्थित धरना स्थल पहुंचेंगे। राव ने बताया कि जब तक क्षेत्रवासियों की मांग पर सरकार अमल नहीं करेगी, तब तक धरना प्रदर्शन क्रमिक अनशन व अनशन जारी रहेगा। भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दुखाराम राज पुरोहित ने बताया कि जिलेवासियों की समस्याओं के निराकरण और क्षेत्र की समस्याओं व मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए पहली बार भिनमाल उपखंड मुख्यालय पर विशाल जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन व अनशन का आयोजन होगा, जिसमें जिले भर से बड़ी संख्या में अधिकारी कार्यकर्ता व आम जन भाग लेंगे। उन्होंने आम जन से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की। इससे पूर्व स्थानीय महेश्वर महादेव मंदिर व दादेली बावड़ी में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रणनीति तय की गई। इस अवसर पर जिला महामंत्री हरीश राणावत, नगर अध्यक्ष महेंद्र सोलंकी, जुंजाणी मंडल अध्यक्ष टीकम सिंह राणावत, नरसाना मंडल अध्यक्ष पीराराम गोरसिया, पूर्व नपा उपाध्यक्ष जयरूपाराम माली, वरिष्ठ भाजपा नेता शेखर व्यास, बद्री नारायण गौड़, पूर्व नगर अध्यक्ष भरत सिंह भोजानी, जोरावर सिंह राव, पूर्व मंडल अध्यक्ष रमेश सोनी पुनासा, भाजपा नेता मकनाराम चौधरी कुशलापुरा, सुमेर मल बाफना, संतोष सोनी, रामलाल माली, किशोर सांकला, विक्रम मंजारा, नरपत सिंह राव, किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष पहाड़ सिंह राव, कृष्णाराम माली, खमहावीर माली, नटवर त्रिवेदी, सुरेश बोहरा, भवानी शर्मा, पार्षद भोमाराम देवासी, पार्षद शंकर लाल माहेश्वरी, दिनेश सोनी, हितेश सोनी, महेंद्र जी नगर, बगदाराम छीपा, अमर सिंह राव, हक सिंह भवानी, रामलाल राज पुरोहित, वचना राम राज पुरोहित, काना राम, प्रेमा राम चौधरी, चिंटू सिंह ईरानी व अजमत पठान सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। जागरूक टीवी के लिए भिनमाल से परबत सिंह राव की रिपोर्ट।